नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हर्षोल्लास से मनाया गया वार्षिक क्षत्रिय महासम्मेलन। उधम सिंह नगर के जसपुर के पश्चिम छोर अफजलगढ़ रोड पर स्थित हीरा गार्डन रिसोर्ट में नववर्ष 2023 के पहले दिन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य एवं विशाल वार्षिक क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन बड़े ही धूमधाम में हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसमें पूर्व कांग्रेस सांसद केसी सिंह बाबा मैं परिवार सहित बतौर मुख्य अतिथि एवं जसपुर क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदेश सिंह चौहान ने दीपक प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली छात्राओं ने मुख्य अतिथि के स्वागत में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र के अध्यापकगण, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, बुजुर्ग के साथ साथ क्षेत्र में सराहनीय काम करने वाले व क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि को तलवार देकर सम्मानित किया गया। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जहां प्रत्येक नागरिक बिना मास्क पहने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाता नजर आए। वहीं सभा के अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को उजागर करना है। इस शुभ अवसर पर क्षेत्र की सम्मानित जनता, प्रधानगण, शिक्षकगण, जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी आदि मौजूद रहे। नैनीताल संवाददाता मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। बहुत बढ़िया रहता है प्रोग्राम, यहाँ के प्रोग्राम में आने चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल फेयर प्ले होता है। यहाँ पर कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं होती उसमें, और यहाँ पर आकर सब मन एकदम शांत हो जाता है। और बड़ी खुशी की बात होती है कि यहाँ पर बिल्कुल शांत मन से वो क्या कहते हैं यहाँ पर काम चलता है। वार्षिक सम्मेलन करती है कई वर्षों से हमारी, और वही कि समाज की जो बुराइयां उनको दूर किया जाए और समाज में एकता का बल देने के, क्योंकि संदेश देने का, और जो हमारे बच्चे साल भर मेहनत कर किसी जो उसमें निकलते हैं उनको सम्मानित किया जाता है, जिससे कि आने वाले दूसरे बच्चों को भी उससे एक रास्ता मिलता है और बुजुर्गों का सम्मान हो। क्योंकि अभी हमारे राजकुमार भाई जी ने भी कहा और सभी बोल रहे हैं कि भाई आज की तारीख में परिवारों में क्या है कि बुजुर्गों को अलग थलग करते जा रहे हैं, तो हमने बुजुर्गों का सम्मान करके भी महसूस कराया है कि भाई बुजुर्गों का सम्मान करोगे तभी समाज और धर्म और जाति सब बच सके, यही संदेश देने का प्रयास है। समाज नशा हर समाज में बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए मेरा तो व्यक्तिगत भी मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँ, क्योंकि नशे पे पूरी तरह पाबंदी लगनी चाहिए। अवैध नशा इतना कारोबार बढ़ता जा रहा है कि बहुत बच्चे मतलब जो काल के गाल में समा गए समय से पहले, और इसकी तरफ क्योंकि हर वर्ग चाह रहा है, और ये जागरूकता इसे कोई नहीं रोक सकता। जब तक जागरूकता समाज में नहीं होगी तब तक नहीं रुकेगा, और इसे हर वर्ग के लोग इसमें लगेंगे तो मैं समझता हूँ इस पर हम जो है निश्चित और लगातार छोटे बड़े प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। विगत 8 वर्षों से लगातार इसी तरह कार्यक्रम सुचारू है, और इसका एकमात्र उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाना और उन प्रतिभाओं का सम्मान करना और पूरे क्षेत्र को उनको दर्शन करना, अन्य परिवार भी अपने बच्चों में ऐसे संस्कार ऐसी प्रतिभाएं पैदा करें। मुख्य उद्देश्य इसका यही है और सब लोग मिलकर चलते मेन उद्देश्य हमारे आयोजन का यही रहता है। आपसी विवाद ना हो, नशाखोरी ना हो, बच्चे हेलमेट लगा कर चले। ये घर वालों की दायित्व है कि जब मोटरसाइकिल से बच्चे घर से निकले तो उनको हेलमेट की जरूरत है, नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे। इन सभी उद्देश्यों को लेकर हम जाति में एक जागृति अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को करते हैं। हमारे भाइयों का बहुत योगदान मिलता है इन पूरी बिरादरी, और मैं इस आयोजन में आए सभी अपने माता बहन भाई पत्रकार बंधु सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा इस ऐसी कड़कती ठंड में भी आकर के।